सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूब टीम की जिन्होंने इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को उनकी कॉमेडी के दम पे अपना दीवाना बनाया है। तो आज हम जानेंगे राउंड टू हेल टीम के बारे में। तो जो भी इनके फैंस है वो वीडियो कर दो फटाफट से लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं नाजिम के बारे में। तो इनका पूरा नाम नाजिम अहमद है। इनका जन्म 1 सितंबर 1996 को बरा मुरादाबाद यूपी में हुआ। वो दिल्ली इंडिया में रहते हैं। बात करें इनकी स्कूलिंग की तो इन्होंने इनकी स्कूलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से कंप्लीट की। बात करते हैं इनके फिजिकल स्टैट की तो इनके हाइट 5'9" है और इनका वेट 58 kg है। इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इनके इंस्टाग्राम पे जनवरी 2021 के हिसाब से 756,000 फॉलोअर्स है। तो अब बात करते हैं जैन के बारे में। तो इनका पूरा नाम जैन सैफी है। इनका जन्म 12 फरवरी 1996 को बरा मुरादाबाद यूपी में हुआ। वो दिल्ली इंडिया में रहते हैं। बात करें इनकी स्कूलिंग की तो इन्होंने इनकी स्कूलिंग PMS पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से कम्प्लीट की। बात करते हैं इनके फिजिकल स्टैट की तो इनकी हाइट 5'7" है और इनका वेट 68 kg है। बात करें इनके इंस्टाग्राम की तो इनके इंस्टाग्राम पे जनवरी 2021 के हिसाब से 1.2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। बात करते हैं इनके तीसरे पार्टनर वसीम के बारे में। इनका पूरा नाम वसीम अहमद है। इन्हें सब बीबी जी के नाम से जानते हैं। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 12 जुलाई 1996 को बरा मुरादाबाद यूपी में हुआ। फिलहाल वो दिल्ली इंडिया में रहते हैं। यूट्यूब पे उनके अलादीन के वीडियो की वजह से काफी पॉपुलर है। इन्होंने राकेश का रोल किया था। बात करें इनके स्कूल की तो इन्होंने इनकी स्कूलिंग इंटर कॉलेज मुरादाबाद से की। बात करते हैं इनके फिजिकल स्टैट की तो इनकी हाइट 5'7" और इनका वेट 73 kg है। बात करें इनके इंस्टाग्राम की तो इनके इंस्टाग्राम पे जनवरी 2021 के हिसाब से 186,000 फॉलोअर्स है। बात करते हैं इन तीनों की तो ये तीनों अलग अलग स्कूल में होके भी एक दूसरे को बचपन से ही पहचानते थे। तीनों ही बचपन से शरारत करने में माहिर थे। स्कूल में बचपन से ही एवरेज स्टूडेंट होने के कारण इन्होंने 12वीं में स्कूल छोड़ दिया। तीनों को अब कुछ ना कुछ करना था। नाजिम को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने फुटबॉल के वीडियो YouTube पे अपलोड करने का सोचा और उन्होंने एक वीडियो अपलोड भी किया, पर उस वीडियो पे उन्हें कुछ खास व्यूज नहीं आए, जिस कारण नाजिम ने वो वीडियो YouTube से डिलीट कर दिया। उस टाइम इंडिया YouTube में पे वाइंस अपलोड करने का ट्रेंड चल रहा था। और फिर एक दिन नाजिम ने वसीम और जैन के साथ मिलकर YouTube पे वाइंस बनाने का सोचा और फिर इन्होंने राउंड टू हेल करके यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिस पर तीनों ने 6 नवम्बर 2016 को अगली कैप्शन करके वीडियो अपलोड किया। वीडियो पे उन्हें 100 व्यूज आए। पहले ही वीडियो पे एकदम 100 व्यूज आने के कारण उन तीनों को बहुत खुशी हुई और फिर उन्होंने YouTube पे दूसरा वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो पे उन्हें पहले से ज्यादा व्यूज आए और फिर वो नहीं रुके, वो वीडियोस डालने लगे। उन्हें आसपास के लोग काफी डिमोटिवेट करने लगे। लोग उन्हें कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, बस टाइम पास करते रहते हो। उन तीनों ने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया और YouTube पे फोकस रखा और वो उनका कॉन्टेंट इम्प्रूव करने के पीछे लगे और फिर उनके वीडियोज भी वायरल होते गए और दिन ब दिन उनका कॉन्टेंट इम्प्रूव होता गया। उन्हें पब्लिक से काफी अच्छा सपोर्ट मिला। जियो यूजर्स बिफोर वर्सेस आफ्टर वाला वीडियो काफी वायरल हुआ और उन्हें पब्लिक से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आज राउंड टू हेल चैनल इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में से एक। शुरुआत में ये तीनों यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद वो उनके दोस्तों के घर जाते थे और उनके मोबाइल से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते थे। और आज वही यूट्यूब चैनल इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की लिस्ट में है। तीनों की एक्टिंग स्टाइल, कॉमेडी और फनी गालियों की वजह से राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल के आज सब फैंस है। इन तीनों का स्ट्रगल देख ऐसा कह सकते है कि आदमी की किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। राउंड टू हेल टीम के 17 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। राउंड टू हेल टीम में से किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उनके फेमस डायलॉग के साथ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना।